मध्य प्रदेश के धार में पीएम रैली करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के धार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। देहरादून में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने शौर्य सम्मान समारोह में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने जम्मू कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर में सुरक्षा हालात का जायजा लिया। पीएम मोदी के गाजियाबाद में 8 मार्च के कार्यक्रम को लेकर यूपी के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने अहम बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने उपहार नीलाम कर उससे मिली राशि गरीबों को देने का ऐलान किया। अयोध्या से लखनऊ जाते वक्त खंड विकास अधिकारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह करने के लिए इसराइल में बने खतरनाक बम का इस्तेमाल किया। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने जैश के आतंकी कैंपों को तबाह करने के लिए इसराइल के स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल किया था। ये पूरी तरह से गाइडेड बम है जिसमें पायलट को अलग से निशाना लगाने की जरूरत नहीं होती। हालांकि दागे जाने से पहले इसमें टारगेट की जीपीएस लोकेशन और सैटेलाइट या ड्रोन से ली गई उस जगह की जो तस्वीर है वो फीड करनी होती है। ये डेटा फीड होने के बाद ये बम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और जीपीएस की मदद से अपना लक्ष्य खुद ढूंढ लेता है और लक्ष्य से 60 किलोमीटर दूर गिराए जाने के बाद भी ये बम उसको पहचान कर तबाह कर देता है। करीब 1000 किलो का स्पाइस 2000 बम फिलहाल भारतीय वायुसेना का सबसे भारी और खतरनाक नॉन न्यूक्लियर बम है। इस बम को मिराज 2000 लड़ाकू विमान पर लोड कर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है।